नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल हमने भीतर की बात में एक चर्चा उठाई थी और सवाल पूछा था कि अगर नीतीश कुमार को अपने सीएम की कुर्सी देनी होगी तो किसे देंगे, तेजस्वी यादव को देंगे या फिर एनडीए को देंगे, यानी बीजेपी को देंगे। देखिए, कल से जवाब का हम इंतजार है, कई लोगों ने कॉमेंट करके जवाब दिए भी हैं और जवाब का अभी भी हमें इंतजार रहेगा। इन सब के इतर नीतीश कुमार ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई थी, तबातोड़ उनकी बैठकों का दौर जारी है और जब से वो दिल्ली से लौटे हैं तब काफी ज्यादा सक्रिय हुए हैं। इस बैठक के बाद से क्या ये फैसला आएगा कि लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को नीतीश बड़ा झटका दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ललन सिंह को लेकर के चर्चाएं काफी तेज हैं। आपको याद होगा कि महागठबंधन की जब सरकार बनी थी तब ललन सिंह को नीतीश कुमार ने आगे किया और कहा कि हम इन्हीं के कहने पर महागठबंधन की सरकार बनाए थे। लेकिन नीतीश कुमार जो दिल्ली से लौटने के बाद जो अंदर अंदर प्लानिंग बना रहे हैं उसका ललन सिंह क्या सत्यानाश कर देंगे? एग्रीमेंट जो बना हुआ है उस एग्रीमेंट पर ललन सिंह कैंसिल कर देंगे, भीतर की बात में आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाबा मौजूद हैं और इनसे चर्चा करते हैं कि नीतीश के प्लानिंग का ललन सिंह ने कर दिया सत्यानाश, एग्रीमेंट हो जाएगी कैंसिल। बाबा जुड़े हैं। बाबा, कौन सा एग्रीमेंट कैंसिल करने की चर्चा आज हम लोग करेंगे? ललन सिंह क्या नीतीश कुमार का सच में प्लान सत्यानाश करने वाले? देखिए रत्नेश, पिछले लगभग 3 दशक से भी ज्यादा समय हो गए जब इस देश में गठबंधन की राजनीति का एक प्रारंभ हुआ था और उस राजनीति ने कहीं ना कहीं लोकतंत्र में समझौता और संविदा, ये दो शब्द जो हैं, बड़ा मजबूती के साथ दिया था जी। क्योंकि आप गठबंधन में अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं, आपको अपने साथी दलों का भी ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, यदि आप सामंजस्य बिठाकर नहीं चलते हैं, उस संविदा पर से दाएं बाएं होते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंध विच्छेद हो जाएंगे। 2013 में ये देखने को मिला था जी। जब नीतीश कुमार सबसे मजबूत साथी हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के, उन्होंने इस मुद्दे पर कि अब ये गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का नया अवतार हुआ है, नए लोग पावर में आए हैं, उनके साथ चलना मुश्किल होगा क्योंकि उनका एजेंडा, जिस एजेंडे पर हमने अब तक रोक लगा के रखी थी, वो नहीं रहा जी। बल्कि वो नए एजेंडे पर काम करेंगे और इनका पहले से भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। गुजरात की बात उन्होंने हवाला दिया और कहा कि ऐसे लोगों के साथ हम नहीं चल सकते हैं, देश को खतरा है जी। इस बात को यहां स्टॉप करके हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक संविदा था जिसे कैंसिल कर दिया गया, यानी कि एक एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। नया एग्रीमेंट सिर्फ इसलिए हुआ बिना शर्त कि 2015 तक देखा जाए हम कैसे चल सकते हैं। नीतीश कुमार ने भी कहा कि यदि आप मेरा समर्थन कर सकते हैं तो हम सरकार में रहेंगे, मुखिया हम रहेंगे जी। लेकिन अगर नहीं समर्थन करते चुनाव होगा। ऐसी स्थिति में उस समय न तो कांग्रेस तैयार थी न ही राष्ट्रीय जनता दल तैयार थी। तो हुआ क्या कि नीतीश कुमार को जब 2013 में आए तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी बनाया जाए और बिना शर्त समर्थन किया जाए, ये हुआ। एक एग्रीमेंट ये भी हुआ जी। ये भी एग्रीमेंट कैंसिल हुआ 2014 में। इसके तहत हुआ क्या कि नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लेकर के आए थे जी। और उन्हें लगा था कि ये सब लोग सपोर्ट करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा त्याग उन्होंने किया था, सरकार अलग लेकर के बनाए थे, एनडीए से उन्होंने संबंध विच्छेद किया था और नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा लगने लगा था, परसेप्शन बन चुका था, सर्वे रिपोर्ट बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं झटका लगा और नीतीश कुमार यहां से अपने लिए रास्ता खोजने लगे। लेकिन नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ गई थी कि उनके पास अभी वक्त नहीं है कुछ ऐसा फैसला लेने का जिससे कि उनकी पार्टी और उनका पद दोनों समाप्त हो जाए। नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा था, उन्होंने आंकड़े जोड़ लिए थे कि अगर लालू प्रसाद के साथ उनका संबंध बन जाता है, कांग्रेस उनके सपोर्ट में खड़ी होती है, तो 2014 से अलग रिजल्ट 2015 में हम बिहार में ला सकते हैं जी। क्योंकि आंकड़े बता रहे थे कि क्यों 2014 में सीटें इन लोगों की कमाई और भारतीय जनता पार्टी बिहार में अधिकांश 32 सीटें जीत करके चली गई। इन आंकड़ों को एक जगह इकट्ठा करके देखा गया तो यही नजर आ रहा था कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। सर्वे रिपोर्ट यहां भी आए थे और उस सर्वे रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी का जो ऑरा बना था उसके आधार पर यह परसेप्शन बनने लगा कि सत्ता में आएंगे। सब कुछ ध्वस्त हो गया, कुछ भी नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। क्योंकि तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरा थे
और लालू प्रसाद उनका सपोर्ट कर रहे थे, एक एग्रीमेंट हुआ कि ये चलता रहेगा। और नीतीश कुमार 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, जिसका सपोर्ट ये सब करेंगे, और इस सपोर्ट के साथ साथ बिहार की कुर्सी वो तेजस्वी यादव को दे देंगे। जब नीतीश कुमार पर दबाव बनने लगा तो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। आपको पता है कि 2017 में नीतीश कुमार ने अपना पिंड छोड़ा लिया। हम पिंड छोड़ा लिया इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा था कि उन पर दबाव इतना था कि वो काम नहीं कर पा रहे थे जी। और उन्होंने फिर से उसी एनडीए जिसको बोल करके आए थे कि इसके चलते देश तबाह बर्बाद हो जाएगा, देश के लोगों को समस्याएं होंगी, लेकिन इसके साथ साथ इस बीच में कई ऐसे फैसले थे, 2016 में नोटबंदी हो या और भी सीएए का मामला हो, ये सारी चीजें नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया था जी। जिसके चलते उनके पार्टी में भी विद्रोह हुआ और उनके फिर से एनडीए में जाने को लेकर के भी विद्रोह हुआ था, जिसमें आपको याद होगा कि शरद यादव ने उसका जमकर विरोध किया था, जिन्हें पार्टी से बाहर होना पड़ा था जी। ये सारी परिस्थितियां सारी चीजें देख करके ऐसा लगने लगा था कि एक एग्रीमेंट और कैंसिल हुआ। यहां से अब आगे की कहानी आप सबको पता है, सभी जानते हैं। ये पुरानी कहानी हमने इसलिए रिपीट किया, ये इतिहास जो है अपने आप को दोहराता है। 2017 में दोहराया, 2019 में फिर से आया, 2020 में फिर से आया, और 2022 में फिर से एक बार कहानी दोहराई गई। बिल्कुल। अब जो नई कहानी है उसमें नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात में एक नए एग्रीमेंट की चर्चा शुरू हो गई, जो एग्रीमेंट तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में ललन सिंह ने करवाया था, वो एग्रीमेंट अब कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार ये सवाल आप मीडिया जगत में, राजनीतिक गलियारों में सुन रहे होंगे कि ललन सिंह ने एग्रीमेंट ये कराया था कि नीतीश कुमार 6 महीने के अंदर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। हालांकि इस पर दावा हमारा नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं इतनी मजबूत है कि इस चर्चा के बनिस्पत आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को भी बाहर आना पड़ा था और उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ ये भी बातें सामने आई थी कि पार्टी का विलय कराने की बात, दोनों पार्टी एक दूसरे में समाहित हो जाएंगी, और इसके लिए लालू प्रसाद जब सिंगापुर जा रहे थे ऑपरेशन कराने के लिए, तो उन्होंने उससे पहले तेजस्वी यादव को कुछ पावर दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी का नाम और सिंबल बदल सकते हैं, तेजस्वी इसके लिए अधिकृत है। ये सारी बातें बता रही थी कि एक नए एग्रीमेंट की तरफ ये सब लोग बढ़ रहे हैं, जिसका विरोध उपेंद्र कुशवाहा ने किया। वही उपेंद्र कुशवाहा जिनको नीतीश कुमार लेकर के आए थे लौकु समीकरण को मजबूत करने के लिए, जो 2020 के चुनाव में उनसे छिटक गया था या उन पर बहुत भारी पड़ा था, जो सीटें उनकी कम हुई थी। बिल्कुल। अब जब वो उठाने लगे इस सवाल को, तो इस सवाल से असहज होने लगे ललन सिंह, और ललन सिंह ने ऐसा तिकड़म रचा कि उपेंद्र कुशवाहा को बाहर होना पड़ा। यहां नीतीश कुमार कमजोर हुए और एग्रीमेंट धीरे धीरे अब आगे खिंचाने लगा। आप टिकट कटाइए दिल्ली का जी, और आगे निकल जाइए जी, तो निश्चित रूप से टिकट तो आपको धरेगा ही ना। बिल्कुल वही हुआ। अब ललन सिंह टिकट तो लिए थे दिल्ली तक का, लेकिन जब आगे बढ़ने लगे तो उनको पकड़ा गया कि भाई आपने तो कहा था कि 6 महीने के अंदर में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। और नीतीश कुमार ये बात समझ गए कि उन पर दबाव जो बन रहा है उसके पीछे की रणनीति क्या है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने भी एक नए एग्रीमेंट की तरफ अपने आप को बढ़ाया और ये कह दिया खुल करके कि उन्होंने कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया है, वो न तो पार्टी का विलय करने जा रहे हैं, न किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने जा रहे हैं। हां, 2025 के बाद अगर वो सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो किसी और को 2025 में उत्तराधिकार दे सकते हैं, कोई और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कैंडिडेट बनकर के चुनाव लड़ सकता है जी। नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी थी और इस स्ट्रेटजी की तरफ काम करना शुरू कर दिए। लेकिन इस बीच में कई ऐसी घटनाएं घटी। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार एग्रेसिव राजनीति करते आ रहे हैं और उस एग्रेसिव राजनीति के कारण जिस तरह से असहज दिखाई दे रही है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हुई तब भी नीतीश कुमार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कर दिया उन्होंने। खुद आकर के राहुल गांधी ने जब वो आए थे इंडिया गठबंधन के बैठक में बिहार, उस समय भी उन्होंने इशारों में कहा, इशारों में क्या, उन्होंने तो स्पष्ट कहा जो मीडिया में आ गया कि भाई कब कर रहे हैं आप मंत्रिमंडल का विस्तार, तब भी नीतीश कुमार ने समझा और आयोग और जो कमेटी थी उसका गठन करके उन्होंने खाना पूर्ति कर दी। अब ऐसी स्थिति में यह समझना मुश्किल नहीं था कि नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं और नीतीश कुमार की प्लानिंग क्या है। अब ऐसी प्लानिंग अगर कोई बना ले, हमको आपको दोनों आदमी को किसी का इंटरव्यू लेने जाना हो जी, और वहां हम दोनों जाकर के
इंटरव्यू न लें और जो कैमरामैन हमारा है हम उससे कहें कि भाई हम लोग दोनों अक्षम हैं, आप ले लीजिए, तो मामला तो गड़बड़ाएगा ना, बिल्कुल गड़बड़ाएगा, क्योंकि कैमरामैन को पता ही नहीं है। यहाँ भी स्थिति वही हो गई है, ललन सिंह अलग एग्रीमेंट में है, नीतीश कुमार अलग एग्रीमेंट में है, और इस एग्रीमेंट के कारण जो आपसी टकराव हो रहा है वो ललन सिंह ने कल आप लोगों ने खबर भी किया था ललन जो कल नहीं पहुंचे नीतीश कुमार के बैठक में, बिल्कुल, और उसके साथ साथ नालंदा में उन्होंने एक सभा की, मटन पार्टी आजकल चल रहा है ना, जी जी जी, वो मटन पार्टी उन्होंने जो की लोगों के साथ बातचीत किया, उसको संबोधन किया, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना कोसा है, यहाँ तक पूछ दिया है कि कौन सा स्टेशन पर चाय बेचते थे, बिल्कुल, यानी कि आप समझ लीजिए कि इधर उनके प्रधानमंत्री के सामने जाते हैं मुख्यमंत्री, दोनों अभिवादन करते हैं, गले लगते हैं, और यहाँ दूसरी कहानी रची जा रही है, जो बाइडेन से मुलाकात कराता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें होती हैं, और इन सारी बातों को होने के साथ साथ जो परिचय कराया था, हमें तो यही लगा था कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में ये एग्रीमेंट हो गया है कि मैं प्रधानमंत्री और आप राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार रहिए नीतीश जी, हम लोग फिर से साथ चलेंगे, मतलब नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की एक अलग एग्रीमेंट तैयार हो रही थी, और इस एग्रीमेंट को लेकर के निश्चित रूप से जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा, ललन सिंह की नाराजगी का कारण सभी जानते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आरसीपी सिंह अकेले मंत्री बने और उस पर नीतीश कुमार ने मुहर क्यों लगाई, नीतीश कुमार को चाहिए था कि ललन सिंह को मंत्री बनाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा को लाकर अपने बगल की कुर्सी में बैठाना ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और आरसीपी सिंह को लाना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, और अब जब ललन सिंह बगल में बैठे थे तो नीतीश कुमार ने अपने इर्द गिर्द 5 लोगों का एक दायरा बना लिया, पंचरत्न पैदा कर लिए, बार बार ललन सिंह को ऐसा लगने लगा कि उनके लिए फिर से एक बार मुश्किल घड़ी आ रही है, और ऐसी स्थिति में एग्रीमेंट चाहे नीतीश कुमार का कैंसिल हो या फिर ललन सिंह ने जो एग्रीमेंट लालू प्रसाद के साथ किया है वो कैंसिल हो, लेकिन एग्रीमेंट एक तो कैंसिल होना लाजमी है। तो ललन सिंह क्या करेंगे फिर, नीतीश कुमार से अलग होंगे, क्योंकि नाराजगी तो दिख रही है ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में। देखिए, ललन सिंह के पास बहुत कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, ललन सिंह को बिहार में या फिर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होगा, और उन्हें अगर नीतीश कुमार वाला एग्रीमेंट कायम रहता है तो केंद्र में मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, अगर बात मानते हैं तो। बिल्कुल, अगर नीतीश कुमार इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, ललन सिंह को और ज्यादा लंबा खींच करके ले जाते हैं 2025 के चुनाव तक जदयू के अध्यक्ष के रूप में, नीतीश कुमार शायद इसी बात को लेकर के बैठक कर रहे हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, ललन सिंह से आप लोगों को छुट्टी दिलवाएंगे, क्योंकि ललन सिंह जब जाते हैं, मैंने कई जदयू के नेताओं से पूछा कि जब आप जदयू कार्यालय में जाते हैं तो ललन सिंह रहते हैं तब और नहीं रहते हैं तब। अब मुझे तो याद आ रहा है कि आप लोगों ने पंचनामा में एक खबर भी किया था एक बड़े नेता के बारे में कि उनके साथ ललन सिंह की नहीं चल रही है, कई ऐसे नेता हैं जिनके साथ ललन सिंह की नहीं चल रही है, अगर उनके साथ मंच साझा करते हैं, आपने देखिए अगर प्रेस वार्ता में शामिल होते हैं तो वो बातें खुलकर नहीं बोल पाते हैं जो उन्हें बोलनी चाहिए, बिल्कुल, ललन सिंह ही उसको संबोधित करते हैं, और अगर किसी को मौका भी मिलता है तो वो लिमिटेड बातें करके चुप हो जाता है। कई लोग तो इस्तीफा जब दे करके जदयू बीजेपी ज्वाइन किए तो ये बात कहते हैं कि 2-3 लॉबी काम कर रही है, एक लॉबी ललन सिंह का है जो काफी दबाव डालता है, बिल्कुल। कल ही मेरी बातचीत हो रही थी जी। एक जदयू के बहुत पुराने नेता से जो काफी नीतीश कुमार के प्रति समर्पित वैसे नेता ने मुझे फोन करके बताया कि अब जो वर्तमान चल रहा है क्या नीतीश कुमार जी इधर आएंगे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जी इधर आ जाते हैं तो हमारे वही नीतीश कुमार जी रहेंगे जो पहले थे, लेकिन जिस तरह का माहौल जदयू कार्यालय में हो गया है, जब मैंने पूछा जदयू के नेताओं से तो उन्होंने कहा कि ललन सिंह नहीं रहते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्मुक्त गगन में हम उड़ रहे हैं, और जैसे ही ललन सिंह ऑफिस में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पिंजरे में बंद हैं। आपको एक और अंतिम में याद दिला दूं एक वाक्या कि अचानक से नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद अपने पार्टी कार्यालय पहुंच गए थे और उन्होंने पूछा था कि इसमें ललन सिंह कहाँ है, उपेंद्र उमेश कुशवाहा के कार्यालय को उन्होंने देखा, कहा कि आप यहीं बैठते हैं, ललन सिंह जी कहाँ बैठते हैं, और ललन जी जब ऑफिस में नहीं थे तो उन्होंने जब जैसे ही ये बात कहा तो ललन सिंह के लोगों ने तुरंत फोन किया कि मुख्यमंत्री जी साहब आए हुए हैं कार्यालय में, आपको खोज रहे हैं। नीतीश कुमार के निकलते निकलते
ललन सिंह गेट पर पहुंच गए थे और ये बात उन्होंने कही थी कि आप भी तो गायब रहते हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। और ये जो कहानी है ये कहीं ना कहीं उस प्लानिंग की तरफ जा रही है जो नीतीश कुमार ने बनाया है, जो ललन सिंह ने बनाया है, और एक एग्रीमेंट तो कैंसिल होना लाजमी। चलिए, तो एक एग्रीमेंट कैंसिल होगा, नीतीश कुमार एक अलग एग्रीमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तबातोड़ बैठक से क्या लगता है कि तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव और ललन सिंह का जो एग्रीमेंट है वो अब फाड़ा जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। फिलहाल अंदर की बात में इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।